आज 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे जो है वो जम्मू के कई इलाकों में मनाया जा रहा है। जहां पर इन्फेंट्री डे की बात करें तो आपको बता दें कि आज ही के दिन 1947 में भारतीय सेना ने जो है जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया था, यानी कि आज ही के दिन भारतीय सेना जो है वो जम्मू कश्मीर का भी हिस्सा बनी थी। और इसके बाद इस दिन को जो है हर साल मनाया जाता है। इसी बीच जहाँ आज की बात करते हैं तो आज के दिन भी जो है इस पर ये दिन को जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक तरह से याद जो है वो सब चीज़ें की जाती हैं। वहीं पर जहां भारतीय सेना की बात करें तो आपको बता दें कि आज भारतीय सेना की उत्तरी कमान द्वारा जो है आज ध्रुवा स्मारक पर इन्फेंट्री डे मनाया गया है। किस तरह से इस पूरे जो है इस कार्यक्रम को जो है आयोजित किया गया है, जहां पर उधमपुर की बात करें वहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, चलिए इसी पर तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष दत्त जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आज इन्फेंट्री डे जो है ये मनाया गया है, किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था और क्या कुछ खास कार्यक्रम रहा? देखिए, आज एक भारतीय सेना के लिए गर्व की बात थी। आज उत्तरी कमान है जो नॉर्दर्न कमांड है, आज वहां पर जो है आज इन्फेंट्री डे बनाया गया है। आपको बता दें कि आज ही के दिन जो भारतीय सेना थी उन्होंने जम्मू कश्मीर में कदम रखा था। इसकी थोड़ी हिस्ट्री में अगर बता दूं आपको, तो जिस तरह से पाकिस्तान और जो कवाली थे वो जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहते थे, और उस समय जो महाराजा हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के राजा थे, उन्होंने भारतीय सेना की यहाँ पर मदद मांगी थी कि भारतीय सेना यहाँ पर आके जो पाकिस्तानी या कवाली हैं वो उनको खदेड़ दें। और इस आज ही के दिन जो है विलय भी हुआ था, जो हमारा जम्मू कश्मीर था उसका जो विलय हुआ था वो हिंदुस्तान के साथ हुआ था, और अभिन्न अंग जो है वो भारत का जम्मू कश्मीर कहलाता है। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना के लिए काफी गर्व की बात है कि उस समय कई सैनिक जो थे उन्होंने भी अपनी जो है मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर कर दी थी। और सबसे पहले सिख रेजिमेंट थी, जो सिख रेजिमेंट जो है वो कश्मीर में पहुंची थी और वहां पर जो है पाकिस्तानियों कवालियों के साथ वहां पर जो है जंग हुई थी, और भारतीय सेना ने कवालियों और पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ दिया था। चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ है जो नॉर्दर्न कमांड के आज मुख्य अतिथि थे वहां पर, और उन्होंने भारतीय सेना के सब शूटवीरों को वहां पर श्रद्धांजलि दी, और साथ में जितने भी कमांड के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं सब ने यहां मिलकर आज उन शूटवीरों को श्रद्धांजलि दी है। काफी गर्व वाली ये बात है, क्योंकि अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना हम जितने भी भारतीय हैं उनके रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। किस तरह से आज एक भव्य वहां कार्यक्रम रखा गया था और उन शूरवीरों को याद किया गया है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बिल्कुल आशीष, ये भी जानना चाहेंगे कि बाकी और संगठनों की बात करें, क्या उनकी तरफ से भी आज इस दिवस को मनाया जा रहा है? देखिए, भारतीय सेना की अगर बात करें तो आज भारतीय सेना ने ही जो है आज ये दिवस मनाया है। हालांकि अगर विलय दिवस की बात करें तो बीते कल जो है जम्मू कश्मीर के जितने भी संगठन है सबने जो है विलय दिवस मनाया था, लेकिन आज सिर्फ भारतीय सेना मना रही है, क्योंकि आज 27 अक्टूबर को ही भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में जो है प्रवेश किया था। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे संगठन है, अगर उधमपुर की बात करें तो यहाँ पर जो बलवंत सिंह मनकोटिया है पूर्व विधायक हैं, और इस समय जो है वो टोगरा जो उनका स्वाभिमान जो संगठन है वो उसके अध्यक्ष भी हैं, आज उन्होंने भी जो है आज विलय दिवस मनाया है। जी की बात करें तो यहाँ पर बलवंत सिंह मनकोटी भी है पूरी तरह से जो है आज इन्फेंट्री का बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए आशीष। तो जिस तरह से बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जहां जम्मू कश्मीर में आज ही के दिन जो है भारतीय सेना ने प्रवेश किया था, और इस दिन को अब हर साल इसी तरह से बड़े ही धूमधाम से जो है मनाया जाता है।